नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में आज राष्ट्रीय रक्त अल्पता उन्मूलन मिशन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में 17वीं भारतीय सहकारिता कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। केंद्र ने टमाटरों की उचित मूल्य और उपलब्धता संबंधी नए विचार आमंत्रित करने के लिए टोमेटो ग्रांड चैलेंज हैकेथॉन की घोषणा की। अमरनाथ यात्रा आज से कश्मीर घाटी में बालतल और चंदनवाड़ी दोनों मार्गों से आरंभ। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीता और सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज शाम बेंगलुरु में भारत का सामना लेबनान से। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। लालपुर गांव में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में करीब 3.5 करोड़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरण की शुरूआत करेंगे। प्रधानमंत्री राज्य में 5 स्थानों से निकाली गई वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का समापन भी करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लालपुर पहुंचने पर पारंपरिक आदिवासी वाद्य यंत्रों और नृत्य से स्वागत किया जाएगा। साथ ही लोक गायिका मान्या पांडे भी कार्यक्रम देंगी। दूसरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पकरिया गांव में पहुंचेंगे और पैसा एक्ट समिति के लोगों से संवाद करेंगे। जनजाति समाज को विशेष अधिकार देने वाला यह एक्ट मध्य प्रदेश के सभी अनुसूचित क्षेत्रों में 15 नवंबर 2022 से लागू है। शहडोल जिले के 4 विकास खंडों के 669 गांव इस एक्ट के दायरे में आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए यह एक्ट ग्राम सभा को विशेष कार देता है। ग्राम पंचायतों में जल जंगल जमीन से जुड़े मामले और आपसी विवाद निपटाने के लिए समितियां बनाई गई है। प्रधानमंत्री से 9 समितियों के लोग मिलेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजाति समाज में आने वाले फुटबॉल खिलाड़ियों से भी मिलेंगे। यहां सैकड़ों फुटबॉल क्लब का गठन किया जा चुका है। प्रधानमंत्री जनजाति समाज के प्रबुद्ध जनों से भी चर्चा करेंगे और उनके साथ बैठकर भोजन करेंगे। इन कार्यक्रमों को लेकर लालपुर पकरिया गांव के जनजाति समूह के लोगों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए शहडोल से प्रशांत शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे नई दिल्ली में 17वीं भारतीय सहकारिता कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि सहकार से समृद्धि की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए सरकार सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के प्रति संकल्पित है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसानों की खुशहाली और सशक्तिकरण में उपयोगी है। 2 दिन के इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ एनसीयूआई ने किया है। कार्यक्रम का विषय है अमृतकाल सशक्त भारत के लिए सहकारिता से खुशहाली। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार बैठक का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन के प्रवृत्तियों पर चर्चा करना और सफल सहकारी समितियों की सर्वोत्तम कार्यशैलियों को अपनाना है। इस दौरान सहकारिता क्षेत्र के समक्ष मौजूद चुनौतियों पर चर्चा भी होगी। कार्यक्रम में एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी जिसमें स्वयं सहायता समूह और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। कार्यक्रम में लगभग 5 करोड़ सदस्य ऑनलाइन जुड़ेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत कल सूरत में बिजनेस 20 बैठक आयोजित की जाएगी। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बैठक के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। बैंकिंग कपड़ा वित्त और हीरे के कारोबार से जुड़े G20 देशों के करीब 200 प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बैठक कारोबारियों को विभिन्न व्यावसायिक आर्थिक विषयों पर समझ और नीतिगत संस्तुति साझा करने के अवसर प्रदान करेगी। बैठक के पहले पूर्ण सत्र में वैश्विक स्तर पर व्यापार हीरे कपड़े और रासायनिक उद्योगों में निवेश के अवसरों पर चर्चा की जाएगी। चुनावी बॉन्ड की 27वीं श्रृंखला 3 जुलाई से बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक को इस साल 3 जुलाई से 12 जुलाई तक अपनी 29 शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने और उन्हें भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिन के लिए वैध होंगे। यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद बॉन्ड जमा किया जाता है तो किसी भी पात्र राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। चुनावी बॉन्ड कोई भी भारतीय नागरिक खरीद सकता है। ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने पिछले आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में
कम से कम 1% वोट हासिल किया था चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र होंगे। केंद्र सरकार ने टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैकेथॉन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए सस्ता टमाटर उपलब्ध कराना और टमाटर उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाना है। इस चुनौती के अंतर्गत टमाटर की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए नए विचारों को आमंत्रित किया गया है। उत्कृष्ट विचारों को बड़े पैमाने पर कार्यरूप दिया जाएगा। हैकेथॉन का उद्देश्य मौसमी परिवर्तन के समय टमाटर की कीमतों में अस्थिरता को रोकना, मूल्य श्रृंखला की दिक्कतों को दूर करना तथा प्रतिकूल परिस्थितियों और स्थानीय स्तर पर अधिक उत्पादन की समस्या से निपटना है। इच्छुक प्रतिभागी उपभोक्ता कार्य विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान जूनागढ़, जामनगर, कच्छ, वलसाड़, तापी और नवसारी सहित कई जिलों में मूसलाधार वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने राज्य में कल तक भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कल रात गांधीनगर में राज्य आपदा संचालन केंद्र का दौरा किया और वर्षा प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की। जूनागढ़, जामनगर, मोरबी, कच्छ, सूरत, अहमदाबाद और तापी जिलों में कई स्थानों पर पानी भरने के और स्थानीय बाढ़ के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। भारी वर्षा के कारण राज्य में कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति और सड़क आवागमन भी प्रभावित हुआ है। जूनागढ़ का विसावदर सबसे अधिक प्रभावित शहर रहा है, जहां पिछले 24 घंटों में 13 इंच वर्षा दर्ज हुई है। भारी वर्षा से प्रभावित जिलों में बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की 4 टीमों को तैनात किया गया है। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मौसम विभाग ने जुलाई महीने में मध्य भारत और आसपास के दक्षिणी हिस्सों तथा पूर्वी भारत के अधिकांश क्षेत्रों और पूर्वोत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने इस महीने देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से अधिक रहने का भी अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। अगले 4 दिन में पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तटीय कर्नाटक और केरल में तेज वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून राजस्थान और हरियाणा तथा पंजाब के शेष हिस्सों में दस्तक दे सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने मॉनसून से पहले मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में राज्यों की तैयारियों की कल वर्चुअल माध्यम से समीक्षा की। बैठक में सिक्किम के मुख्यमंत्री, 22 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और प्रमुख स्वास्थ्य सचिव तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक शामिल हुए। श्री मांडविया ने राज्य के स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे में इस मद की बजटीय राशि के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा आज से औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। बम बम भोले के उद्घोष के साथ श्रद्धालुओं ने बालतल और चंदनवाड़ी दोनों मार्गों से पैदल यात्रा आरंभ की। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था और अन्य प्रबंध किए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अमरनाथ यात्रा मार्गों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। संयुक्त नियंत्रण कक्ष, लंगर स्टॉल, पंजीकरण काउंटर, बिजली और पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता, परिवहन और आपातकालीन सेवाएं तैयार रखी गई हैं। पिछले साल बादल फटने से सैलाब आने के बाद से हुई मृत्युओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह की किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा। तीर्थ यात्रियों की 24 घंटे स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए DRDO द्वारा चंदनवाड़ी में एक अस्थायी अति आधुनिक अस्पताल बनाया गया है। इस बीच प्रशासन ने यात्रियों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग अनिवार्य करार दिया है। किसी भी यात्री को इस टैग के बगैर आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जम्मू में इस उपलक्ष्य में 5 तत्काल पंजीकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस वर्ष यात्रा 62 दिनों तक चलेगी, जिसके लिए अभी तक 3 लाख से अधिक यात्रियों ने अपना पंजीकरण कराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से नसीर राठौर। आकाशवाणी से संस्कृत समाचार प्रसारण का स्वर्ण जयंती वर्ष आज से आरंभ हो रहा है। आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का पहला प्रसारण 30 जून 1974 को हुआ था।
आकाशवाणी के प्रसिद्ध संस्कृत समाचार वाचक डॉ बलदेवानंद सागर ने आशा व्यक्त की है कि तकनीक के सहारे संस्कृत पत्रकारिता को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि संस्कृत में कई जानकार यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर अब संस्कृत में अलग अलग कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। देश में संस्कृत पत्रकारिता की शुरुआत 157 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी, जब संस्कृत की पहली पत्रिका काशी विद्या काशी 1 जून 1866 को प्रकाशित हुई। आज कई विश्वविद्यालयों में संस्कृत के पाठ्यक्रम चल रहे हैं। अब कई विद्यार्थी संस्कृत पत्रकारिता में भी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में दाखिला ले रहे हैं। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा। स्टार भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है। ओलंपिक चैंपियन नीरज ने चोट के बाद शानदार वापसी की और 87.66 मीटर भाला फेंक कर खिताब अपने नाम किया। उन्होंने इस वर्ष मई में दोहा डायमंड लीग में भी जीत अपने नाम की थी। प्रतियोगिता में जर्मनी के जूलियन वेबर ने 87.03 मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। चेक गणराज्य के जैकब वेडलेज तीसरे स्थान पर रहे। उधर दक्षिण एशियाई फुटबॉल परिसंघ सेफ चैंपियनशिप में दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का मैच लेबनान से होगा। ये मैच बेंगलुरु में श्री कांति वीरा स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने पिछले वर्ष भी सेफ चैंपियनशिप जीती थी। लेबनान इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहली बार पहुंचा है। दोनों ही टीमें प्रतियोगिता में अब तक अजेय रही हैं। हालांकि लेबनान की टीम का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर रहा है, क्योंकि उसने ग्रुप चरण के सभी मैच जीते हैं और वो ऐसा करने वाली एकमात्र टीम है। प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल कुवैत और बांग्लादेश के बीच आज दोपहर बाद 3 बजे से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneaia.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में संबोधन को सभी अखबारों ने पहली खबर बनाया है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा अब अंतरिक्ष तक युवाओं के लिए मौके ही मौके। दैनिक जागरण ने उनके इन शब्दों को प्रमुखता से दिया है कि चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार हो रहे देश के युवा। नव भारत टाइम्स कहता है मेट्रो से ड्यू गए मोदी, कहा हमारे युवाओं पर दुनिया का भरोसा बढ़ा। अमर उजाला को उम्मीद है कि समान नागरिक संहिता पर संसद के मानसून सत्र में आ सकता है विधेयक। पत्र आगे लिखता है तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी केंद्र सरकार। 1 जुलाई से कई नियमों में होने वाले बदलावों पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, बैंक लॉकर एग्रीमेंट करा लें, आज से लागू हो रहे हैं नए नियम। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक के स्वास्थ्य क्षेत्र में कायापलट योजना पेश करने को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है, डॉक्टरों नर्सों की सबसे बड़ी भर्ती होगी, इसमें भारतीयों को फायदा है। आज 7 वर्ष का हो जाएगा स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, राजस्थान पत्रिका ने ये जानकारी देते हुए लिखा है, देश दुनिया में दिखाई ताकत, पत्र ने तेजस की विशेषताओं को विस्तार से दिया है। अमरनाथ यात्रा के शुरू होने पर राजस्थान पत्रिका ने आस्था अपार शीर्षक देते हुए लिखा है, भोले के जयकारे, पहला जत्था रवाना। पत्र कहता है 62 दिन चलेगी यात्रा, चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जून में औसत अधिकतम तापमान पिछले 1.5 दशक में रहा सबसे कम। पत्र आगे लिखता है 6 वर्ष के बाद जून में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। धरती गर्म होने से बर्फबारी की जगह बारिश, हिंदुस्तान ने इसे कुछ अलग शीर्षक देते हुए लिखा, लॉरेंस बर्केले प्रयोगशाला के अध्ययन में खुलासा, पानी की कमी और खतरनाक बाढ़ दोनों का खतरा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में आज राष्ट्रीय रक्त अल्पता उन्मूलन मिशन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में 17वीं भारतीय सहकारिता कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। केंद्र ने टमाटरों के उचित मूल्य और उपलब्धता संबंधी नए विचार आमंत्रित करने के लिए टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैकेथॉन की घोषणा की। अमरनाथ यात्रा आज से कश्मीर घाटी में बालतल और चंदनवाड़ी दोनों मार्गों से आरंभ। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।